एम ड्रिफ्ट क्लियर के बहुत शुक्रगुजार हैं और मेरा ताल्लुक अल रियाज ग्रुप ऑफ कंपनीज से है, तालू एसोसिएट से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है जो ये क्रिकेट का इवन लोगों ने डिफिकल्ट एरिया वालों ने सजाया है और जो है ना अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। बहुत ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है ये और जो है हम बहुत शुक्रगुजार हैं डिफिकल्ट एरिया के उन्होंने जो है हमें यहाँ का गोल्ड स्पॉन्सरशिप दिया है, तो हम जो है ज़ाहिर है गोल्ड स्पॉन्सरशिप हमने डिफिकल्ट एरिया के लिए लिया है और आज फाइनल मैच है DSL 9 और काफ़ी सालों से ये इस तकरीब को मुनक़द किया जा रहा है, हर दो साल में एक दफ़ा होती है ये, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि देखते हैं अब कौन सी टीम जीतती है। जो भी टीम जीतती है हमने उसको भी स्पॉन्सर किया हुआ है, विनर अप को भी स्पॉन्सर किया हुआ है और जैसे कि हमने अपने ग्रुप को भी यहाँ पे अल रियाज को जो बड़ा हाईलाइट किया हुआ है, अल रियाज ग्रुप, तालू एसोसिएट्स और प्रिंस एसोसिएट्स दोनों को अल्लाह ताला की ज़ात का एक करम है कि उसने हमारी जो रियल स्टेट बरादरी है उसको बेहतरीन लीडरशिप से नवाजा हुआ है, जो कि बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह वो भी माशरे के अंदर एक अपना बेहतरीन जो है वो उसकी माशरे की बेहतरी के लिए अपना इनपुट दे रहे हैं, तो हमारी हमें फ़ख्र है अपनी डिफिकल्ट एरिया की क़यादत के ऊपर जिन्होंने एक बड़ा जानदार सा एक इवेंट किया है जो ना सिर्फ लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आएगा बल्कि ये एक छत के नीचे जो मुख्तलिफ रियल्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो बिल्डर्स हैं उनको एक छत नीचे इकट्ठा करके तो उनकी जो नेटवर्किंग है उसको बहुत मजबूत करेगा और इससे जो इनकी जो ओवरऑल जो पाकिस्तान की रियल स्टेट है और पाकिस्तान जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसका भी एक पॉजिटिव इमेज जाएगा लोगों तक। मैं PBL से हूँ, हमारा एक PBL का एक ग्रुप है जो बैरिया टाउन में जो है वो सारे ऑफिस मिल के हम लोग काम करते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है। तो आज हमें बिलाल भाई ने यहाँ बुलाया, हमें देख के बड़ी खुशी हो रही है यहाँ पर कि क्रिकेट के साथ साथ जिस तरीके से रियल स्टेट के लोग जुड़ के इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और तरह तरह के लोग आप देखें फैमिली जिस तरह से आज यहाँ पर मेला का समय है, ईद से पहले एक ईद का मेला जो लगा हुआ है, ये माशाल्लाह हमारा बैरिया टाउन के डीलर्स जिस तरह से यहाँ आए हैं अब लगता है कराची और बैरिया में डिस्टेंस नहीं रहा, दोनों मिलके किस तरीके से खुशी से यहाँ पर फैमिलियों को यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका दिया गया। तो क्या समझते हैं कि बैरिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि कराची ही बैरिया और बैरिया ही कराची है, तो वहाँ भी होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई, शफकतुर्रहमान प्रोफेशनल बिजनेस लीडर्स का एक रुकन हूँ, हमारे कैलिफोर्निया के जो CEO साहब हैं इनके तआवुन से जो इतना बड़ा यहाँ मेला सजा है और उस मेले की वजह से जो अहलियाने कराची को बहरिया का तारुफ जा रहा है, ये मैं समझता हूँ इन लोगों का अहलियाने कराची पर एहसान है कि उन्होंने बहरिया की तरफ उनको रास्ता भी दिखाया, मुतारिफ भी कराया और इंशाअल्लाह ताला इन हजरात की इस मेहनत से एक दिन बहरिया इसी तरह चमक दमक रहा होगा जिस तरह आज आपका ये मैदान चमक दमक रहा है। इस तरह इतनी भी ओकेजन है वो इतनी ओकेजन होनी चाहिए क्योंकि आफ्टर कोविड आपने देखा कि बच्चे भी अब स्कूल भी अपना जो था वो ऑनलाइन कर रहे थे तो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी, तो इस तरह का इवेंट एक हवा का ताज़ा झोंका है जो इंशाल्लाह ये जो पहली बूंद है और अगले बस ये रमज़ान में है और अगले साल आप देखेंगे इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी कोशिश यही है कि इससे अच्छा एक मेला हम बैरिया टाउन में इनेकाद करें इंशाल्लाह और उससे भी बेहतर इनेकाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, डिफ्लेरिया ने बहुत मेहनत की है, ज़ुबैर बेग साहब और उनकी टीम ने माशाल्लाह, ऐसे हालात में जब आपको पता है पाकिस्तान के निज़ाम इस वक्त सियासी भी थोड़ा सा माहौल गर्म है तो इस वक्त पब्लिक को एक इतना इवेंट अच्छा दिया है कि जिसमें लोगों का जो है ना एक बिज़नेस से रिलेटेड भी हो गया और दूसरा उनकी एंटरटेनमेंट भी हो गई, तो बहुत बहुत मुबारक हो डिफ्लेरिया को।